السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرشفة فأصبحوا في دارهم جاثمين اور مدين كترف انك بھائی شعيب عليه السلام کو जिन्होंने अपनी कौम से कहा कि मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो और आखरत की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद ना फैलाओ तो उनकी कौम ने उन्हें झुटला दिया तो फिर जलजले ने उन्हें दबोच लिया और वह अपने घरों में मुर्दा पाए गए नाचरिन के राम यह सूरा अलगूर की छत्तीस और सैंतीस दो आयतें हैं जिसमें अल्लाह ने अपने नबी शुएब असलात का जिक्र किया शुयब इब्राहीम लूतम का ज़िक्र करने के बाद शुब्म का ज़िक्र किया अम्बिया नबूती एक दूसरे के भाई होते थे अल्लाह ने कहा कि हमने उनके भाई शुएब को मदियन की तरफ़ भेजा मदियन एक जगह और एक कबीला दोनों है और शहर का भी नाम और कबीले का भी नाम मदियन था आज भी मदियन का इलाका मौजूद है और मदान साले व बस्ती भी मौजूद है वरमा तब तिलक़ा अमदीन मदियन के पास जो कुआँ था जहाँ अलैहिस्सलाम की बेटियाँ पाने के लिए आई पूरी तफसील, मख्तल जगहों पर क़ुरान के अंदर मौजूद है तो अल्लाह ने रसूल बना करके जब शुयब अलैहिस्सलाम को भेजा तो शुयब ने उनको बुनियादी जो दावत दी तोद की या कौम अबूदल्ला ऐ मेरी कौम के लोगो अल्लाह की इबादत करो वर जुल जाओ मल आखिर और आखरत की उम्मीद रखो यानी आखरत की उम्मीद इसलिए कि उस दिन के बाद कोई दिन नहीं है आखिरी दिन है उसके बाद कोई दुनिया नहीं है उसके बाद कोई मरहला नहीं है आखरत जब हो गई खत्म हो गई उस दिन पहुँच गए तो उस मरहले के बाद कोई मरहला नहीं इसीलिए इल्म ने लिखा है कि इंसान की ज़िंदगी के चार मरहले हैं चार दौर से इंसान गुज़रता है पहला दौर इंसान का मादर रहम में होता है यानी हमल ठहरा इंसान के जिस्म की साख्त हुई बनावट हुई अल्लाह ने रूह फूकी और उसके बाद फिर बच्चा बड़ा हुआ तो जब तक मादर रहम में है वो रहम के अंदर की ज़िंदगी ये पहली ज़िंदगी है पहला दौर है और उसी से जुड़ा दौर फिर दुनिया की ज़िंदगी का है वो भी दुनिया में आ जाता है लेकिन असल दुनिया वो नहीं देख पाता ज़िंदा है मगर दुनिया उसके सामने नहीं है वो माँ के पेट के अंदर है तो ये पहली ज़िंदगी मादरे रहम की है दूसरी ज़िंदगी पैदाइश के बाद दुनिया की ज़िंदगी है जिसमें हम और आप जी रहे हैं अपनी आँखों से दुनिया देख रहे हैं ये दूसरी ज़िंदगी हुई तीसरी ज़िंदगी दुनिया से जाने के बाद क़ब्र की ज़िंदगी बरजख की ज़िंदगी यानी मर गया आदमी तो चाहे क़ब्र में जाए चाहे वो जला दिया जाए चाहे उसकी लाश समुंदर में बहा दी जाए चाहे जिस भी शक्ल में क़ब्र न नसीब हो या जो भी शक्ल हो मर गया तो अब वो बरजख की ज़िंदगी में है और वो दुनिया की ज़िंदगी से कट गया दुनिया की ज़िंदगी में न वापस आ सकता है न तो दुनिया की ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक़ होगा ये तीन जिंदगियाँ हुई मदर रहम के अंदर की जिंदगी दुनिया की जिंदगी कब्र की ज़िंदगी और चौथी ज़िंदगी आखरत की जिंदगी है आखरत की ज़िंदगी जो क़्यामत क़ायम होने के बाद शुरू होगी जब लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे उसको आखरत की जिंदगी को कहते हैं इसलिए कि वो आखिरी ज़िंदगी है अब उसके बाद कोई ज़िंदगी नहीं है आखिरी एकदम फाइनल अब वो ख़त्म मामला तो उसको इसीलिए आखिरत की ज़िंदगी कहते हैं वाला ता फिर अर्द मुफीन कहा ज़मीन में फसाद ना फैलाओ क्योंकि अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करना ये सबसे बड़ा ज़मीन का फसाद है शेबल इस्लाम ने उससे उन्हें रोका रोकने की जो हमत अपनाई पहली चीज़ प्यार से कहा कि या कौम अबूदुल्ला अय मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो जैसे हम कहते हैं अय मेरे भाइयों बजा इस्लाम तुम अल्लाह की इबादत करो तो ये प्यार का अंदाज तो ईसायत में रसूलों की दावत में प्यार भरा अंदाज दूसरा जो मसला इसायत में साबित हुआ कि अम्बिया एक दूसरे के भाई होते हैं बाज़ अम्बिया न भाई हैं जैसे हारून और मूसा सलाम सगे भाई नसबी भाई हैं नबुवती भाई जैसे कि मूसीम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि वो मेरे नबुवती भाई हर नबी एक दूसरे का नबुवती भाई होता है तो ये नबुवती भाई तीसरा मसला जो साबित होता है इनायतों में कि रसूल दावत देते वक्त कौम को सच्चाई और हकीक़त की दावत देने के साथ आखरत की तरफ उनकी तवज्जो मोड़ दे ताकि उनका दिल नरम हो चौथा मसला इबादत हर हाल में अल्लाह की की जाएगी या कौम अब्लाए मेरी कौम के लोगों अल्लाह की इबादत करो पाँचवा मसला आख़रत का दिन आखिरी दिन है उसके बाद कोई दिन नहीं ये जो लोग कहते हैं कि आदमी दुनिया से चला गया तो फिर आवागमन का अक़ीदा मरने के बाद अच्छा है तो अच्छी शक्ल में आएगा बुरा है तो सांप बिल्ली और बिच्छू की शक्ल में आएगा ये फासिद और बातिल अकीदा है या इसी तरह कहेंगे सात जन्म का अकीदा या जन्म जन्म का साथ कहेंगे ना तो ये सब फजूल चीज़ें हैं एक जन्म दुनिया में मिलता है दोबारा कोई जन्म दुनिया में नहीं मिलता उसके बाद बरज़ की ज़िंदगी फिर क्यामत क़ायम होगी तो आख़रत की ज़िंदगी तो जन्म जन्म का साथ ये भी बातिल और अकीदा है या इसी तरह से अच्छा है तो अच्छे शक्ल में बुरा है तो बुरे शक्ल में आएगा आवागमन का कीदा ये भी फासिद और बातिल अकीदा है वर जुल जो आखिर बस यही है कि अमल करो अल्लाह से आखरत की उम्मीद रखो और पाँचवा जो मसला साबित होता है कि ज़मीन में फसाद फैलाना हराम है वला तसो फिल अर्द मुफीन ये आयत दलील है कि सारे नबियों की दावत क़याम अमन थी यानी ज़मीन में अमन क़ायम करना यही सारे रसूलों की दावत थी और ज़मीन में फसाद की दो सूरतें हैं एक तो फसाद मानवी फसाद जो आदमी गुनाह और मासीत के जरिए फैलाता है दूसरा हिस्सी फसाद जो आदमी बम धमाका कर दिया कत्ल कर दिया ये फसाद है और गुनाह और तरकशी शिरक कुफ बिदत ये भी फसाद है मानवी तो दोनों फसाद है मानवी और हिस्सी दोनों फसाद है ये फसाद की दो सूरतें हैं तो इन आयतों से ये मसाइल साबित हुए इन आयतों से छठा जो मसला साबित होता है कि बंदा अल्लाह से जब दुआ करता है रसूलों की दावत देता है रसूलों को झुटलाया जाता है तो अल्लाह की तरफ़ से तसली नाजिल होती है कि आप घबराइए नहीं इससे पहले भी रसूलों को झुठलाया गया था तो झुटलाने से बंदा मायूस ना हो हक़ आप पेश कीजिए उसलूब रसूलों का अपनाइए और कभी भी रंजीद मत होइए फौरन आप अम्बिया की सरफ़ साल की सीरत को पढ़ लीजिए इसीलिए दावत में कामयाबी के लिए दावत देने वालों की ज़िंदगी को पढ़ना और जानना ज़रूरी है और सबसे बड़े दुआत दुनिया में कौन थे अल्लाह के अम्बिया और रसूल थे तो जिनकी तफसील जहाँ तक कुरान में मौजूद है या सुन्नत में वो तो हमारे सामने है नहीं तो सीरत मुस्तफ़ा सीरत तय्यबा अल्लाह के रसूल मोहम्मद महमद रबी सल्लाम की सीरत को मुख्तलिफ नाइए से पढ़ करके जब आप मैदान में उतरेंगे तो आपके सामने एक रोशनी होगी कि मैं उस रसूल के रास्ते पर चल रहा हूँ उसकी ज़िंदगी को बयान करूँगा उसके अमल को जो अल्लाह से जुड़ा हुआ था और जिसकी ज़िंदगी इंसानों को तबाही से बचाने की खातिर पूरी ज़िंदगी अल्लाह ने उसे दी और पूरी ज़िंदगी रसूल ने इंसानों को भिलाकर से बचाने में सर्फ कर दी तो ये तसली का अंदाज़ अल्लाह ताली ने शायद में अपनाया उसी तरह से लाने वालों को डराना ये भी उसलूब अल्लाह ताली ने अपनाया और अजाब भी बता दिया कि फ अस बहू फ़ीदार हम जातेम के जब पत्थर की बारिश हुई जलजला आया अब जलजला आता है तो एक सेकंड में या सेकंडों में पूरी दुनिया तबाह हो जाती है जिन इलाक़ों में जलजला आता है तो अजाब आने में देर नहीं लगती अमल करने में आदमी ज़िंदगी गुजारे और अजाब से डरे यही रसूलों की दावत थी अल्लाह से दुआए कि अल्लाह हर क़स्म के अजाब से हमारी हिफाजत फरमाए और ज़मीन में अमन व अमान कायम करना जो रसूलों की दावत थी चाहे वो अमन व अमान हिस्सी हो चाहे मानवी हर लिहाज से हमें अमन अमान की तोफ़ी बस कायम करने की और अमन क़ायम करने वाला बनाए आमीन व सल नबी मोहम्मद वाला वसब अजमैन नाजरन किराम, आपकी मोहब्बत और नवाजिश का शुक्रिया अल्लाह आपको जैर दे शुब्म के मुख्तर तस्करे के बाद अब कौम आद और समूत का जिक्र होगा आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन शाह अगले मजलिस में हम आप आयत नंबर अड़तीस की तफसीर के साथ हाजिर होंगे जब तक के लिए इजाजत दीजिए जजाक वरम दुनिया में अमन को आम करने की इस कोशिश में हमारा साथ दें आई प्लस टीवी को डोनेट करने के लिए अभी कॉल करें नाइन फाइव डबल एट डबल एट डबल एट, डबल, एट डबल एट डबल एट डबल एट टू सिक्स पर ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें